तो गाइस इंडियन एथलेटिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 के फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे उसके बाद ही हम लोग ट्वेंटी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं सो so मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसिमेटली 229.65 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर यह डिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो डिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्समेटली 193.48 करोड का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में अप्रोक्समेटली टू ट्वेंटी का इनकम तो मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में इंडियन एक्रिलिक्स ने बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 क्वार्टर में इस कंपनी ने 210.61 करोड़ का खर्चा किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 192.43 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोसीमेटली 249.19 करोड का खर्चा इस कंपनी ने किया था तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए

तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटीन पॉइंट जीरो थ्री का प्रॉफिट पोस्ट किया है डिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसीमेटली 1.05 पॉइंट जीरो का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोसीमेटली 23.84 करोड़ का लॉस इस का कंपनी ने पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.41 की दिसंबर 2022 ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.08 की एंड मार्च 2022 ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 1.76 की तो कंपनी के जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की सो so, अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की क्वार्टर में इंडियन एक्टिक ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है सो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन एक्रिलिक्स ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है तो अब येकरीज कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में बात करें मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमटली 909.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये एफआई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफआई 2022 में इस कंपनी ने अप्रोसीमेटली 623.84 करोड का इनकम जनरेट किया था तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 890.29 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफआई 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली 699.92 करोड का खर्चा किया था तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 थ्री की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 2.14 परसेंट एंड अनफॉर्चुनेटली एफआई 2022 में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था मतलब यहाँ के प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने 19.47 का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटलीट करोड का लॉस पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है की एंड ई ट्वेंटी ट्वेंटी की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.62 की तो कंपनी की जो एपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफआई ट्वेंटी तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड इफ आई ट्वेंटी में ये कंपनी लॉस मेकिंग थी एंड अभी ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है सो तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इंडियन एक्ट्रेलिक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है सो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल चाहे आप मार्च क्वार्टर में देख लो या तो फिर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में देख लो हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है सो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन एक्ट्रिक्स ने दोनों ही केसेस में मतलब मार्च क्वार्टर में एंड एफ व ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है तो गाइज डेयर इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ